वेलकम बैक गाइस, इतना ओवर नहीं करना। तो वेलकम बैक टू द किसान सिमुलेटर यानी कि फार्मिंग सिमुलेटर 25 के अंदर आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम लोग बात करने, ओ रुको वेट, सबसे पहले तो हम लोगों को अपना कैमरा स्विच करना है और यहाँ से हमें अपने हीरो को देखना है। ये रहा अपना हीरो या हीरोइन, जो भी तुम कह सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमें क्या करना है, मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में बस एक ट्यूटोरियल कंप्लीट किया था और आज हम एक पूरे खेत को स्टार्टिंग से धीरे 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 करके अपग्रेड करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सेटिंग कर लेने दो। तो जैसे कि हमारे पास ये कुछ तरीके की फील्ड हैं हमारे पास। ओ वेट, यहाँ पर देख सकते हो कि हमें ये चार्ट दिखा रहा है कि हमें किस सीज़न के अंदर कौन सी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, मतलब किस चीज़ के अंदर क्या उगाना चाहिए। अभी अगस्त चल रहा है, गेहूँ का टाइम, अभी साथ ही साथ एक कनोल का भी टाइम है भाई, ये भी हम उगा सकते हैं एंड काफ़ी चीज़ें, बट इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाके हमें जाना होगा, जर्नल सेटिंग, गेम सेटिंग। देखो ऑटो सेव, सबसे पहले तो इसे 10 5 मिनट पे ऑटो सेव, नहीं ऑटो सेव को 5 मिनट के ऊपर रख देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ हमें करनी है, सीजनल ग्रोथ नो। अब इसे नो करने से क्या होगा, ये देखो हम कभी भी कुछ भी उगा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें उस चीज़ की झंझट ख़त्म हो गई हमारी कि हमें इस सीज़न में ये उगाना है, इस सीज़न में ये उगाना है। एंड सेकंड थिंग जो मुझे यहाँ से करनी है, कहाँ पर लाइक मुझे मिल नहीं रहा है भाई, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। एक मुझे टाइम चेंज करना है, टाइम चेंज अभी कहाँ से होगा, यहाँ से कहीं पर भी शो नहीं हो रहा ना टाइम चेंज। आई थिंक होना चाहिए मेरे ख्याल से डे पर मंथ 28 डेज। अच्छा एक महीने में कितने दिन चाहिए, 28 दिन चाहिए। यहाँ से हमें टाइम चेंज कर सकते हैं, ऑफ कर देते हैं इसे तो, एंड 28 दिनों का एक महीना होगा हमारा, 1 डे का करेंगे भाई हम। ऑलराइट गाइस, तो हमने जो सेट करना था वो कर लिया हमने, सबसे पहले तो वो सीज़न वाला चेंज किया। एंड अब हमें स्ट्रेट टू द अपने ट्रैक्टर की तरफ जाना है, एंड यहाँ पर हमें अपने ट्रैक्टर के अंदर बैठ जाना है बस। और फिर हमें एक चीज़ देखनी होगी, ब्रो कितना प्यार से ट्रैक्टर मोड़ गया ना, ट्रैक्टर को मोड़ गया ना हमें। सबसे पहले जो हमने कल के जो खेत थे वो जोते या नहीं जोते वो चेक करने हैं। हमने यहाँ पर खेत रखा हुआ था अपना, जो खेत रेडी हो चुका है। ऑलराइट गाइस, ओ ब्रो ये चीज़ हम लास्ट टाइम मिस कर गए थे, इसे अब अभी के लिए यहाँ पर पार्क कर देते हैं। और अपने ट्रैक्टर को यहाँ पार्क करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर और इसको देखेंगे। एनिमल टाइप है, एज है 50 महीने का हो चुका है ये बच्चा, काउंट 3 हेल्थ 0 0, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर कुछ जानवर है जो कि अपने आप आराम से चारा घास घूस खा रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा काम क्या रहने वाला है मैं तुम्हें एक बारी डिटेल में बता दें। सबसे पहले तो मुझे जो ये गेहूँ हो चुके हैं ये यहाँ से निकालने होंगे, उसके लिए हमें जाना होगा अपने कंबाइनर के अंदर जो कि यहाँ पर ही पार्क खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसको, सबसे पहले तो हमें इसकी पाइप को अंदर करना होगा, पाइप को अंदर करते हैं। सेकंड थिंग हमें करना होगा इसके लोअर को, नीचे तो अभी नहीं करना है हार्वेस्ट के लिए हमें। नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं ब्रो, मेरे को ये ऊपर की टंकी को बंद करना है। आई थिंक आई से बंद होती थी ना ये। ओके वेट, सबसे पहले तो हमें अपना सिलेक्ट करना होगा पाइप आउट, पाइप भी हार्वेस्टिंग अभी नहीं करनी है हमें। डॉट डॉट से भी नहीं हो रही भाई। ओके एच, अभी एआई वर्कर का काम नहीं है इधर, आई थिंक एक्स एक्स से होती है भाई ये। तो सबसे पहले तो इसे हम अपने प्लांट पे ले जाके वहाँ से वो गेहूँ निकालते हैं, उसके बाद हम सेकंड वाले खेत के अंदर काम करना चालू करेंगे भाई साहब। एकदम ऐसे मक्खन की तरह हम सब कुछ निकाल निकूल के, देख लो सामने की तरफ अपना सारा सामान रेडी है, बस हमें फटाफट से वहाँ जाना है। और यहाँ ले जाने के बाद मुझे बस इसे यहाँ पर कहीं पर पार्क कर देना, पार्क नहीं करना इसका तो अभी काम है ना, ट्रैक्टर हमने पार्क कर दिया ना, मेरे को लगा इसे भी कहीं पार्क ही कर देता हूँ। इसको इतना लंबा घुमाने की ज़रूरत नहीं है ना हमें। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसे लेके जाएंगे। मैंने तभी वहाँ पर ना अपना ट्रैक्टर भी पार्क कर दिया। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ सेट करनी होगी,
हल्का सा बैक लेना होगा और अब इसे नीचे कर देता हूँ मैं। एंड स्टार्ट टर्न ऑन हार्वेस्ट, यू नीड टू अनफोल्ड। ओके वेट यार, मैं फिर भूल गया ना, किससे किया था मैंने, एक्स से किया था। नहीं चाहिए भाई, अभी एआई वर्कर नहीं चाहिए हमें, हम खुद से करेंगे ना, एआई से क्यों करवाएंगे काम। ब्रो 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 ब्रो, यार मैं भूल रहा हूँ इस गेम के बारे में। अब मुझे यहाँ से अपनी हार्वेस्टिंग को ऑन करने के लिए बी प्रेस करना है, दैट्स इट। अब देख रहे हो अपने गेहूँ कटने चालू हो चुके। आई थिंक ये गेहूँ की है ना, कैनोल की है, कैनोला की है ये, तो कैनोला की तो हो गई ना, इसे ठीक करते हैं सबसे पहले। फिर हमें ये साथ वाला खेत है ना जो हमारा, इसे भी हमें प्रॉपर वो करना है, फर्टिलाइज करना है, इसके अंदर भी देखना पड़ेगा किसी चीज़ की मेरे ख्याल से ना कमी है। सीड्स तो हमने, सीड्स भी डालने हैं हमें इसके अंदर, और साथ ही साथ हमें क्या करना है इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, लाइम। उसका मुझे अभी तक पता नहीं चला, उसके बारे में भी रिसर्च करेंगे हम, लाइम कहाँ से मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम लोग इसे फिक्स कर देते हैं, और यहाँ से मुझे एक प्यारा सा टर्न, जिससे कि कुछ मिस ना हो। देखा एंड हम लोग इसे करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल प्यार से स्ट्रेट लाइन के अंदर हम इसकी हार्वेस्टिंग चालू करेंगे। ऐसे जैसे मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही हमें इसे बस चालू करते रहना है। और ये अपने आप सब कुछ देख रहे हो कितनी मक्खन की तरह काट रही है, फ्रंट से तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ से तो हमारी हार्वेस्टिंग चल रही है और पीछे से कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। नाइस भाई, अगर देखो सामने अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हो रियल लाइफ में, वैसे तो ये बहुत बड़ा दिखता है रियल लाइफ में, बट यहाँ देखो मुझे ना इधर से इतना अच्छा दिख रहा है, ना इधर से मुझे इतना अच्छा दिख रहा है, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत आती होगी ना उस बंदे को। तो भाई ऐसे ऐसे लोगों को रास्ता दे दिया करो। फिर से हमें हार्वेस्टिंग को बंद करना है, एक यहाँ से वापिस से टर्न लेनी है और इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले जाके ऐसे, बस बार बार मैं बंद करूँगा या तेज ऑन करूँगा उससे फ्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, आई थिंक आनी नहीं चाहिए। बट फ्यूल का इधर है चार्ट, फ्यूल का भी चार्ट है भाई, फ्यूल बहुत अपने पूरा फुल टैंक रखा हुआ हमने। अभी और जगह, आई थिंक ये पूरा खेत कंप्लीट कर ही देगा। मुझे यहाँ पर अब अपना एक ये लास्ट राउंड है, इसके बाद अगर मैं ओके, अब मैंने क्या किया है, एआई को काम दे दिया, ये एआई अपने आप संभाल लेगा। देख रहे हो एआई वर्कर हमने हायर किया था वो हमें मिल चुका है। अब मुझे स्टार्टिंग में ओके, यहाँ पर क्या ज़रूरत है, लाइम और वीड की जरूरत, वीड ग्रोइंग, ठीक है यहाँ से तो हम कर लेंगे जो कुछ भी हमें करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ आना है, इस वाले खेत को करना है, नीड लाइम, लाइम चाहिए। ओके लाइम ला के देते हैं इसे भाई कहीं से हम लोग फटाफट से। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से अपना एक ट्रैक्टर उठाना चाहिए, ट्रैक्टर हमारे पास सामने खड़ा रखा हुआ है, शायद से जॉन डियर का ही है हमारे पास एक ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर लाइम देने के लिए। उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें खरीद लेनी पड़ेंगी। ओके भाई साहब देखो, अगर तुम इसमें गेम ऑटो सेव नहीं होती, जब भी तुम एस्केप बटन दबाते हो तभी ये गेम ऑटो सेव होती है। स्टोर मेरे पास क्या क्या, एक 5 मंथ ओल्ड है जिसे कि हम लोग सेल कर सकते हैं, नहीं अभी हमें सेल नहीं करनी है। ओके यहाँ पर कुछ है फर्टिलाइजेशन के लिए, यहाँ पर अलग अलग बंदे जिन्हें कि हम लोग हायर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, लाइक यहाँ पर मैं हूँ, नहीं यहाँ पर है ये बंदा,
और यूज़ योर ओन इक्विपमेंट टू लीज रिड्यूस $20। ओके, अगर मैं इसे अपना इक्विपमेंट दूंगा, मुझे जैसे कि अब डिवूड फर्टिलाइजेशन हार्वेस्टिंग और मोइंग स्टोन पिकिंग वीडिंग वीडिंग के लिए मुझे शायद से एक बंदा लग सकता है, तो लाइम के लिए तो मैं खुद ही कर सकता हूँ ना। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें भी हैं, यहाँ पर आई थिंक कि मुझे सामान खरीदना होगा, हैंड टूल स्टिक गेम सेटिंग सेव गेम वेट गेम सेटिंग में तो ये होगी ना, जर्नल सेटिंग ये हो गई। तो हम लोग अपना वेट, अगर हमें कुछ खरीदना हो तो हम कैसे खरीद सकते हैं ना इस गेम के अंदर, आई थिंक कि कुछ ऑप्शन होगा। यस ऑल राइट, यहाँ से हमें एक चीज़ खरीदनी है, आई थिंक ट्रेलर्स में ही होगी वो कहीं सिलेक्ट। नहीं, बट इसका यूज़ का मुझे कैसे पता चलेगा। लाइम डालने के लिए मुझे चीज़ चाहिए, फोगन कलेक्ट क्रॉस हैड टू स्टोर इफ यू स्टोर फील्ड। ब्रो बहुत ज़्यादा महंगा है, नहीं खरीदना भाई, मुझे कुछ भी नहीं खरीदना। सोइल के लिए कल्टीवेटर दे रखे अलग अलग इन लोगों ने, सीडिंग के लिए मशीनें दे रखे, सीडिंग की मशीन है मेरे पास तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए लाइम चाहिए। इम्प्रूवमेंट कंबाइन हार्वेस्टिंग, इसका मुझे अभी यूज़ नहीं पता है, मुझे कुछ ट्यूटोरियल वगैरह देखने पड़ेंगे इसके लिए। फ्रॉग हार्वेस्टिंग ग्रास लैंड, लाइक व्हाट शुड आई बाय फ्रॉम हेयर। ब्रो इन लोगों को ना फिक्स करना चाहिए ना काफ़ी चीज़ों के बारे में, कि लाइम के लिए हमें कैसे लाइम कर सकते हैं, लाइम के लिए हमें कोई कैटेगरी नहीं दी गई है। बिग बैग है, ऑब्जेक्ट किस चीज़ के बैग है, लाइम तो हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है तो हम यहाँ से क्वांटिटी ले लेते हैं इसकी, वन आई थिंक तीन बैग इनफ रहेंगे, तीन बैग हम लोग खरीद रहे हैं $1,350 में, क्योंकि खेत भी बड़ा है ना। देखो यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1,350, ओके एक बैग में 60 लीटर है, 6,000 लीटर है, मतलब 18 लीटर हो जाएगा हमारे पास, 18,000 लीटर। अब इससे प्रोड्यूस करने के लिए हमें लाइम डालने के लिए क्या चाहिए होगा, बैग्स तो हमारे पास आ गए, अब इस लाइम को हम लोग उसके अंदर कैसे डालेंगे ना। स्प्रेड करने के लिए कोई मशीन है ही नहीं हमारे पास, एनिमल्स के लिए फ्रॉग मिक्सर है, गेप टूल, ये शायद पेड़ वगैरह काटने के लिए होगा। मुझे एक चीज़ और बाय करनी थी यहाँ से ट्यूटोरियल में, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रही भाई क्या चीज़ है वो। ओके हेडर ट्रेलर है, सी टैंक आई थिंक की हो, नहीं सी टैंक भी नहीं है, व्हाट शुड आई नीड, ये किस चीज़ में यूज़ होता है भाई। मेरे को लाइम डालनी है बट मैं कैसे डाल सकता हूँ ना लाइम यहाँ पर, मैं इसको भी AI को भी, चलो वो काम तो कर रहा है। वेट गाइज, मेरे को एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, फाइनली हमने एक ट्यूटोरियल देखा है भाई साहब, जिससे कि हमें पता चला है कि हमें एक सॉलिड फर्टिलाइजर चाहिए। फर्टिलाइजर मींस कि हमें स्प्रेड करना है ना ज़मीन के ऊपर, तो उसके लिए हमें एक फर्टिलाइजर लगेगा। मैं गलती से अगर ये ट्रेलर बाय करने की सोच रहा, मैं ये वाला J&M वाला 95,000 का हमारा प्रॉपर लॉस होता भी, मतलब काम आता, बट अभी हमारे पास पैसे ही इतने नहीं हैं कि हम इसे खरीद सके, तो हमें एक फर्टिलाइजर चाहिए। फर्टिलाइजर की कैटेगरी के अंदर जाना पड़ेगा, कहाँ पर है, अभी देखा था यार मैंने, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया यार वो, लाइक भाई अभी देखा मैंने। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमें मिल चुका जो हमें चाहिए था, 45,000 का है, बट ये कहाँ मिलेगा। अब इसका ये है कि ये फर्टिलाइज भी कर सकते हैं, लाइम स्प्रेड कर सकते हैं जहाँ तक मैंने ट्यूटोरियल देखा है, और हमारा $1 अभी भी बढ़ा है, तो बस अभी हमें इससे बाय करना है एक्सटेंशन। वेट स्मॉल बिग नॉट इंटरेस्टेड ब्रो, जैस हल्का सा बढ़ा ही लेते हैं इस एक्सटेंशन को। और टायर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो टायर को एक बार अच्छे से चेक करेंगे ना भाई, टायर ले रहे हैं तो हम BKT, हाँ ये वाले टायर अच्छे हैं। हमें कवर चाहिए, नहीं हमें इसके लिए कोई कवर, बट कवर अच्छा तो लगेगा बट नहीं चाहिए हमें, 8,000 रुपये का है ये, क्या होगा साइंस, ये क्या ऐड हुआ भाई इसमें, आई थिंक ये ऐड हुआ, ओके ये ही है, पता नहीं नीचे कुछ ऐड तो हुआ है, ओके ये नीचे ऐड हो गया इसके। एंड लास्ट लिस्ट बट 53,000 का होगा ये, ओके स्प्रेडिंग करने के लिए ना हमें 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। स्प्रेडिंग डिस्क है सिंपल जो कि नीचे रखेंगी, एंड इसकी हेल्प से ना हम थोड़ा और अच्छे से वाइड स्प्रेड कर रखेंगे, तो आई थिंक मुझे अभी ये बाय कर लेना चाहिए। लीज पे लूँ या बाय करूँ, बाय कर लेते हैं भाई, अच्छी चीज़ है, 53,000 में अच्छी डील मिल चुकी है। एंड ये दोनों चीज़ें अब हमारी कहाँ मिलेंगी हमें, मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ से एक बार, ये सेविंग का भाई साहब, इनको ऑटो सेव देनी चाहिए लिटरली भाई। मुझे चाहिए ट्रेलर, शॉप, कहाँ पर आया होगा हमारा सामान, आया होगा यहाँ पर तो हमारा कंटेनर चल रहा है, यहाँ पर एनिमल्स हैं आई थिंक, यहाँ पर कहीं पर हमारा ये शॉप पर विजिट,
ऑल राइट, यहाँ पर हमारा दोनों चीज़ आ चुकी है, ठीक है, तो मुझे वापस से अपने घर ही जाना चाहिए। नहीं 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 नो ब्रो, आई डोंट वॉन्ट टू सेल विजिट। अब यहाँ से मुझे एक ट्रैक्टर लेके जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस जोंडियर के ट्रैक्टर को लेके चलेंगे यहाँ से और वहाँ से अपना सामान उठा के लेके आ जाएंगे, ठीक है। ब्रो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लग चुकी है, इसे भी वॉश करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें एक मार्कर लगा लेना चाहिए। हमें जाना कहाँ पर है, यहाँ पर ना कोई मार्कर है, यहाँ पर मार्कर का ऑप्शन है नहीं है, सो आई थिंक कि मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से स्ट्रेट रूट पे, हाईवे पर देना चाहिए भाई ने मार्कर का ऑप्शन भी ना। एंड अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट विजिट करूँ, ऑल राइट ब्रो, अगर मैं डायरेक्ट विजिट करता हूँ ना, कोई वो नहीं है इधर से, क्या मैं इन्हें डायरेक्ट भेज सकता हूँ? ये दोनों चीज़ हमारे तीन बैग और ये चीज़ यहाँ पर है, तो मुझे फटाफट से अपने ट्रैक्टर पर ही जाना पड़ेगा। घर पर जाके विजिट करेंगे हम लोग और यहाँ से हमारा ट्रैक्टर वो रहा। ये अंकल यहीं पर खड़ी रहते हैं। अंकल आप देख लीजिए अगर है ना इतने की सामान वगैरह कुछ हुआ या नहीं हुआ। एंड सेकंड थिंग मुझे ओके लेट्स गो गाइस, फाइनली अब हमारे पास एक प्लांटेशन का मजा। ओ ब्रो जोंडियर से तो प्यार ही हो गया मुझे यार, लिटरली गाइस जोंडियर इज जोंडियर। मुझे इसी रूट पर जाना है और मुझे जाना पड़ेगा शॉप के पास जहाँ से कि हमारे दोनों आइटम हमें रेडी 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 मिले पाएंगे। मैं ट्रैक्टर के पास बट AI को भी भेज सकता था, बट मुझे ना उन पर थोड़ा भरोसा कम है, सीरियसली भाई मेरे को कम भरोसा उन पर। उन पर ऐसा लगता है कि भाई नहीं यार तुम्हें क्या ही दें हम काम, छोटे मोटे काम है हम खुद भी कर ही सकते हैं ना ये वाले काम, तो देखो वो मज़ा नहीं ला पाएगा ना AI जो हम ट्रैक्टर चलाने में लेके आएंगे। और फाइनली भाई बस इस ब्रिज को क्रॉस करना है और हमारे पास होगा भाई सब लाइम ही लाइम। फटाफट से चलो भाई, मैंने ना ऑलरेडी तीन बैग खरीद लिए क्योंकि जिस मैं वीडियो देख रहा था, देखो मैं सीरियसली तुमसे झूठ नहीं बोला, मैं भी ट्यूटोरियल ही देखता हूँ इसके, जैसे कि आज मेरे को शूट करना है तो मैं एक दिन पहले कुछ वीडियो वगैरह ट्यूटोरियल वगैरह देख रहा हूँ कैसे करना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फार्मिंग से रिलेटेड मतलब इन रियल लाइफ ही फार्मिंग से रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ। तो आई थिंक बस वाले भैया साइड में रहिए आप लोग, यहीं कहीं था नहीं, यहाँ पर नहीं था, आई थिंक की शॉप थोड़ी सी और आगे है, नहीं यहाँ पर ही है हमारी वो रखे भाई, ठीक है। अभी जो हमें जाना है यहाँ से डायरेक्ट इस वाले रूट पर और अंदर जाना होगा और फाइनली हम पेट्रोल फुल ही है ना, पेट्रोल की कोई नीड नहीं है हमें अभी, 47,000 रुपीज़। और घर जाकर ना वो ट्रैक्टर में लोड करके वो सामान भी रखना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ट्रैक्टर को यहाँ पर ले जाके बैक करना आराम से और यहाँ से हमें बैक करके हुए देखना है, बस इसके साथ अटैच करना है ना इसे। ऑल राइट एंड ये वाला सीन अपना अटैच हो गया है। एंड सेकंडली मुझे अब यहाँ से What should I do to fold? Wait, मुझे इसे भी तो डालना होगा ना अपने ट्रैक्टर के अंदर, लाइम को। लाइम को कैसे ले जा सकता हूँ मैं? वेट, ये बैग लाइम की है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है बट इससे यूज़ क्या होगा, किसी को बता दो गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। और what should I do to detach, attach, select camera? ओके रिफिल फर्टिलाइजेशन स्प्रेड आर आई थिंक कुछ हो रहा। ओके फाइनली गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने एक एक्सटेंशन लगाया था जिसकी हेल्प से कि अब हमारा फर्टिलाइजेशन फुल होना चालू हो चुका है भाई, एक बैग भर चुका है एंड दूसरा बैग भी हम लोग भरेंगे ताकि अच्छे से हम लोग वहाँ पर ले जाके इसे स्प्रेड कर सके। और हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं आई थिंक कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लाइम बाय कर लिया है, एक बार में मुझे इतना बाय नहीं करना चाहिए था बट कोई नहीं यूज़ हो जाएगा, नहीं हुआ तो हम इसे रख देंगे कहीं पे स्टोर करके, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। एंड लेट्स गो गाइस, हमारे इसके अंदर लाइम इकट्ठा हो चुका है
अब तुम्हें व्यू भी अच्छा लग रहा होगा देखने में। और जल्दी से इसे ना अपने खेतों की तरफ लेके चलते हैं। 3-4 मेरा खेत नंबर है भाई, प्लॉट नंबर बोले तो, जिसे आसानी से याद रहता है, प्लॉट नंबर है 1234। और 1234 तो है, साथ ही साथ आई थिंक कि कुछ और भी होंगे। अब बस हमें इसे ले जाना है वहाँ पर, स्प्रेड करना होगा। ओके भाई, गलती से अगर मैंने ए दबा दिया, देखा भाई ए दबाने से क्या हुआ, मुझे इसे आगे की तरफ वापस से, भाई चलते चलते ट्रैक्टर भी वो हो रहा है इसमें डिटैच। हालांकि मैंने किया बट मैं तुम्हें बता रहा था भाई, कीबोर्ड माउस से ही खेलने में मज़ा है इसमें। एंड हमें बस इसे यहाँ पर ले जाना है, अब लेके चलते हैं भाई। दस है इधर, 8 है, तो हमें जाना होगा यहाँ से, टर्न लेना होगा 8 के पास से, या 8 प्लॉट को पार करके। ये ऐसे ही याद होंगे भाई, प्लॉट वाइज ही याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट याद नहीं होने वाले। 8 के पास ये रेल की पटड़ी है ना, और रेल ट्रैक है, रेल की पटड़ी, तो तुम्हें रेल ट्रैक से ही मुझे यहाँ से क्लियर करना होगा। एंड देन आई विल गो। ओके ट्रेन भी आ रही है अपने पास देखो, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ से ट्रेन जाती हुई। वो देखो सामने से ट्रेन आ रही है यहाँ से, आई थिंक तुम्हें वेट यहाँ से दिख जाएगी ना। फाइनली गाइस ट्रेन भी जा चुकी है, और यहाँ ही कहीं हमारा प्लॉट, यहाँ से तो नहीं रास्ता जाता हमारे प्लॉट का, रास्ता जो आई थिंक कि ये रास्ता है हमारे प्लॉट का जाने का, हाँ यही रास्ता है, ये रास्ता भी जाता है अपने। ओ भाई ट्रैक के पास ही हमारा घर है ना, और बस अब हमें यहाँ ले जाना है। ऑल राइट गाइस, तो देखो इसको अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं, एंड अपने इस वाले ट्रैक्टर में जितना भी हमारा कैनाल निकला है उसे वापस से रख देता हूँ। इसे बैक करना होगा सबसे पहले तो भाई, एक बारी एक एक चीज़ करने दो मेरे को, बस एक लास्ट चीज़। ओ ब्रो यहाँ से एक बारी ना दोनों ट्रैक्टर का उस साइड में लगा के, वेट ब्रो, इस ट्रॉली को मैं अगर यहाँ रख दूँ, एंड देन आई विल, भाई साहब क्या नज़ारा होगा ना, वो थोड़ा सा आगे करना होगा मुझे। ये देखो भाई तुम लोग, है बात भाई साहब क्या नज़ारा आ रहा है ना यहाँ से, देखो एक बारी तुम लोग नज़ारा देखो भाई साहब। ऐसे ट्रैक्टर खड़ा है हमारे दो, ये देखो भाई साहब ऐसे दो ट्रैक्टर आज रास्ते में खड़े हैं भाई साहब। चलो भाई ज़्यादा वो नहीं करते हैं, अब जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। चैलेंजर MT 635 है वो भी लगा ले चैलेंजर का। अब यहाँ से ले जाके ना इसे भी अनलोड करवा ही देता हूँ मैं फटाफट से। अब इसे भी लाइम चाहिए तो हम इसे भी लाइम दे देंगे, पर सबसे पहले इसका ना घास घूस सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ओके वीड ग्रोइंग हो रही है तो ठीक है, होने दो हमें, क्या है। इसे अच्छे से हम लोग यहाँ पर ना ऐसे पार्क करेंगे, बस ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना, आई थिंक कि इतना इनफ है। और अब हमें बस पाइप को आउट करना है, राइट गाइस फाइनली हमारा
भाई साहब फाइनली हमारा ये भी भरना चालू हो चुका है, और आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही भर रहा है भाई। इसके अंदर और बचा हुआ है क्या मामला? एंड आई थिंक कि नहीं बचा हुआ ना। ठीक है, इससे तो अभी हम पाइप को बंद करते हैं और इसको हम लोग यहीं पर ही कहीं पर पार्क करवा देते हैं इसे हम लोग। भाई एक काम करो, तुम लोग क्या कर सकते हो? ओके, स्किप लाइन नहीं कर सकते ना हम लोग। यस, पार्क करने के लिए हमें इसे यहीं पर ही रखना पड़ेगा। बट यार गंदा हो गया तो मेरा ये, इसको यहाँ लगा देता हूँ। बट यहाँ पे रास्ता है तो इसे एक साइड ही रख देता हूँ, और ये दोनों चीज़ें डिटैच करके रख देता हूँ मैं फटाफट से। फिर हम लोग इन दो खेतों पे काम करेंगे लाइम का। ऐसे ही नहीं भाई, एकदम पूरा परफेक्ट काम। हमारा कंबाइनर इसमें था ना। जा भाई, तेरे अपनी हार्ट में जा भी, अभी तेरा कुछ काम नहीं है थोड़े दिनों के लिए। और मुझे जाने दो सामने अपने ट्रैक्टर में, और उस गेहूँ को यहाँ पर अपनी ये जो दो टंकियाँ रखी हुई ना, इसके अंदर लोड करने दो। इसके अंदर लोड करते हैं फिर अपना लाइम का काम चालू हो जाएगा। और तुम देखना भाई, लाइम डालते हुए कितना सेटिस्फाइंग लगता है। इसको भी लाइम की ज़रूरत है। यहाँ से हमारा ये वाला ट्रैक्टर जाएगा फटाफट बड़ आई थिंक हमें इसे सेल करना चाहिए अभी। आई डोंट थिंक, तुम लोग बताओ इसका अभी क्या मिल रहा है मेरे को सेलिंग प्राइस? कैसे पता चल सकता है भाई हमें? वोल्वो, ओके यूज्ड व्हीकल, ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ओके, डिस्काउंटेड चल रहा है 184,000 रुपीस। पैक्स, अभी हमने कैनाल निकाल लिया ना। कैनाल नहीं है इसमें। ओके, इसमें भी नहीं है। ओके, यहाँ पर जाके चेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर शायद से कुछ हो। स्टेशन नहीं, लैंडिंग स्टेशन, एनिमल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए भाई साहब अभी। अगर हम नहीं, प्लांटिंग सीजन का तो कोई पंगा ही नहीं रहा हमारा। व्हाट शुड आई डू? ओके, प्राइजेज में हमें चेक करना है कैनाल के प्राइजेस क्या चल रहे हैं। अभी क्या सीज़न है? अगस्त का सीज़न है, तो अगर हम लोग इसे दिसंबर में, इसकी डिमांड बढ़ेगी $2,000 के करीब, कुछ लीटर बिकेगा तो भाई देखो दबा के पैसा बनेगा दिसंबर में, तो हम दिसंबर में सेल करेंगे ना इसे। अभी नहीं कर रहे पीक पे, अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी बेचूंगा, अभी क्या मिलेगा मेरे को? कुछ भी नहीं मिलेगा। कौड़ियों के भाव मिलेगा, कहाँ बेच सकते हैं हम लोग? यहाँ से फार्मर मार्केट में बेच सकते हैं, जहाँ पर कि हमें 1600 रुपये कुछ मिलेगा, 1651 रुपये का रेट। नहीं भाई अभी नहीं बेचूँगा मैं इसे, स्टोर ही करूँगा अभी के लिए। ओ अभी हम इसे स्टोर करेंगे और इसे भी रख दे के पैक करके वापस से, ठीक है? देखो भाई दबा के ऐसे फीलिंग चल रहा है। मतलब गेम को खेलने में मज़ा तो आता है भाई साहब। आप एक फार्मर की लाइफ जी रहे हो, आपको पता चलेगा ऐसे क्या क्या चीज़ें होती है। एंड जैसे जैसे हो रहा, बस फुल्ली एम्प्टी हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और अपने ट्रैक्टर को भी पार्क कर देते हैं। आई थिंक कि मुझे अपने ट्रैक्टर को, ये वाले को यहाँ नहीं, वहीं लगा देता हूँ भाई, बाद में इसकी यूसेज ज़्यादा रहती है ना, इसको ओपन ही रखते हैं अभी। अभी हम इस ट्रैक्टर को जहाँ से हमने उठाया था वहीं पर ही पार्क कर देते हैं। सॉरी भाई, मैं अपने ट्रैक्टर को तो मार के नुकसान करा, अभी लेके आया हूँ मैं। तो हमने इस ट्रैक्टर को तो यहाँ पर पार्क कर दिया है, एंड अब हमारी बारी आ चुकी है लाइम डालने की। और लाइम डालने के लिए हमें सबसे पहले तो इसे अनफोल्ड करना होगा यहाँ से। ऑलराइट, हमने ऐसे बैग में क्यों रखा हुआ है इसे? वेट शुड डिटैच, क्या उससे होगा? एक्टिवेट मॉडल आर वेट, व्हाट शुड आई डू? हमें इसे यहाँ पर लेके आना है
एंड टर्न ऑन फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट यू नीड टू अनफोल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, एक्स से हमें इससे अनफोल्ड करना होगा। आई थिंक कि मैं थोड़ा पास में ना जाऊं। नाउ आई यू नीड टू प्रेस बी। बट कुछ हो ही नहीं रहा भाई। ऑल राइट गाइज, हमने ना देखो अंदर खाली पड़ा है, कैसे होगा? आई थिंक मैंने कुछ ऐसा प्रेस कर दिया कि जिसकी हेल्प से नहीं हो रहा।